तो दोस्तों मैं आज आ गया हूँ अंबेडकर पार्क आजमगढ़। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का प्रणाम नमस्कार धन्यवाद करता हूँ और आप लोग हमारी इस वीडियो में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत हम आभारी हैं। दोस्तों पार्क जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर बनाया गया और यहाँ पर एक इनकी मूर्ति भी लगाई गई है, तो हम आपको इनकी मूर्ति भी दिखाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ पर DM कार्यालय, जो आप कार्यालय देख रहे हैं, जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है या DM कार्यालय जिला अधिकारी का कार्यालय है। यहाँ पर जिला अधिकारी लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। DM कार्यालय से 20 फीट की दूरी पर यह है, यानी रोड के उस पार DM कार्यालय है, वहाँ पर DM साहब बैठते हैं और बगल में ही हमारे पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का स्थल है, यानी उनकी मूर्ति लगाई गई है। तो देख दोस्तों आइए हम चलते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के इस भवन में, जहाँ पर कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का यह भवन बनाया गया है, हालांकि किसी ने बनाया है और बहुत अच्छा यहाँ का काम किया है। और दोस्तों सबसे पहले मैं बाबा साहब राव की जीवनी के बारे में दो शब्द बता दूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू जिला में हुआ था। दोस्तों यह बहुत ही गरीब परिवार से थे, लेकिन इनका जो पढ़ाई से लगन रहा, देश से लगाव रहा, बहुत ही अच्छा रहा है। इन्होंने अपने देश और समाज को, अपने समाज को आगे ले जाने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे कठिन परिश्रम किए, बहुत ही कठिन पढ़ाई किए और दर्जनों डिग्रियां हासिल किए। बहुत ही अच्छा तोहफा देकर गए हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। हम चलते हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने कला के और अपने ज्ञान के सहयोग से हमारे पूरे देश को आज़ाद किया है। और यह देख सकते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति। दोस्तों यह पीतल की मूर्ति लगाई गई है, मैं आप लोगों को दिखा दूं। और यह देख सकते हैं ऊपर का भवन है, पीतल की मूर्ति बहुत ही। तो दोस्तों देख सकते हैं, सबसे पहले हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पैर को प्रणाम करते हुए, और दोस्तों आप लोगों को बताएंगे कि दोस्तों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कि हमारे भारतीय संविधान के रचयिता रहे हैं, और यही नहीं, इन्होंने दलितों, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए बहुत ही अथक प्रयास किया, यहाँ तक कि अपने बीवी बच्चों का ख्याल नहीं रख सके और पूरे समाज को, पूरे देश को आगे ले जाने के लिए अपना हर संभव प्रयास करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे इस देश को बहुत ही अच्छी पहल देकर गए, बहुत ही अच्छी गिफ्ट यानी तोहफा देकर गए हैं कि सबसे इसके पहले तो लोग आज़ाद नहीं थे, अंग्रेज़ों की गुलामी के कारण लोग हर जगह उठ बैठ नहीं सकते थे, हर किसी से बात नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपने इस कला के आधार पर बहुत ही अच्छा हमको तोहफा देकर गए हैं, और हमारे समाज आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद कर रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका, जापान जैसे देश के लोग भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के कार्यों को सम्मान देता है। दोस्तों तो हमको भी चाहिए, आप लोगों को भी चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के इस कार्यों को भूलना नहीं है, यह हमारे ऊपर उनका एक कर्ज है। दोस्तों उनका कर्ज चुकाने के लिए हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। तो दोस्तों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कि भारतीय संविधान के रचयिता हैं और पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले एक पुरुष नहीं बल्कि महापुरुष हैं, जिन्होंने हमारे देश को आज हंसने के काबिल कर दिया है, पढ़ने के काबिल कर दिया है, अपने अधिकारों को जानने पाने के लिए काबिल कर दिया है। दोस्तों अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ना होते तो शायद आज हमारा यह भारत नहीं रहता,
और हमारा यह समाज एक जानवर से भी बदतर होता। तो दोस्तों, हम सभी देशवासी, हम सभी बहुजन निवासी, हम सभी गरीब और पिछड़े लोग इन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के कार्यों को कभी भूलना नहीं दोस्तों, और हम सभी लोगों को बाबा साहब के किए गए कार्यों को सजो कर रखना है, उनकी यादों को हमेशा बना कर रखना है। और दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो कि अपने पिता के 14वें संतान थे, अपनी माता के 14वें संतान थे, तो दोस्तों इन्होंने बहुत ही अथक प्रयास किया, लंदन तक की पढ़ाई किया, यानी विदेश में जाकर भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पढ़ाई किया, और आज उनकी पढ़ाई के बदौलत हमारा जो देश, हमारा जो समाज है आज आगे जा रहा है और कहीं ना कहीं अब अपने अधिकारों को जानने लगा है। तो दोस्तों, ऐसे महापुरुष को हम सत सत नमन करते हैं, और ऐसे महापुरुष का कर झुकाने के लिए हम सभी लोगों को बाबा साहब के कार्यों का सम्मान करना चाहिए। मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि यह बाबा साहब की भीमराव जी की मूर्ति पीतल की क्यों लगाई गई। तो दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की यह प्रतिमा जो यहाँ पर लगाई गई आज, जो कि जस्ट दीवानी कचहरी के बगल में, जहाँ की लोगों का न्याय किया जाता है, और जहाँ पर कि जिला के कलेक्टर बैठते हैं, यानी कि जिला अधिकारी, जिसको कि DM बोलते हैं शॉर्टकट में लोग, तो जिला अधिकारी भी जहाँ बैठते हैं उसके बगल में यह स्थान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क है। और यहाँ की मूर्ति, जबकि यहाँ पर प्रशासन हमेशा घूमता रहता है, फिर भी यहाँ की मूर्ति तोड़ दिया गया था, और इस मूर्ति के टूटने के कारण हमारे बहुजन समाज के लोग ने संघर्ष किया और उनकी पीतल की मूर्ति लगवाई गई। और यह मूर्ति दोस्तों पत्थर से काफ़ी ठीक ठाक और मजबूत बनाई गई है, और पीतल की मूर्ति है, और इस मूर्ति में जो कि काफ़ी खर्च लगा, लेकिन यहाँ की मूर्ति जो कि बनाई गई और आज यह मूर्ति स्थापित की गई दोस्तों। इसके पहले यहाँ पर पत्थर की मूर्ति हुआ करती थी। तो ऐसे महापुरुष को हम सत सत नमन करते हैं दोस्तों। और यह रहा छोटा सा अम्बेडकर पार्क, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। तो अब हम इसी के साथ आप लोगों से विदा लेंगे, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ सुंदरीकरण का काम होना है, और यहाँ पर कुछ काम जारी कर दिया गया है, और उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बना दिया जाएगा, अच्छा कुछ होने वाला है, क्योंकि कुछ काम किया गया है, कंकड़ बिछा दिया गया है, हो सकता है यहाँ पर कुछ सुंदरीकरण किया जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय। Thank you.